हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर कुछ हम OMR शीट दिखा दे रहे हैं, तो इंग्लिश का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे इस तरीके से आपको फिल करना होगा जो कि आपके 20 नंबर के जो 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने मतलब 45 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था, तो वही स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस किया है जो कि इनका मार्क्स जो आया था 39 आया है। तो इस तरीके से और भी स्टूडेंट्स हैं जो जिनका मार्क्स आया है 38। तो ऐसे बहुत सी कॉपी हैं 37 और भी कम कम मार्क्स आए हैं जो कि हमने सबको बताया है। तो यहाँ पर कुछ कॉपीज़ थी हमारे पास जो कि इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। और आपको यहाँ पर देखना है जो कि टेस्ट हमने लिया था पोएट्री का। तो आज हम सब आप सभी को भी पोएट्री का वो सारे क्वेश्चंस बताएंगे जो कि पूरे इसमें होने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 45, तो 45 यहाँ पर क्वेश्चन हैं पूरे, हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे और पोएट्री का। तो क्लास 10th वाले जो भी स्टूडेंट हैं इससे बाहर कहीं भी नहीं आएगा। तो हमने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन लाया है, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। तो चैप्टर वाइज यहाँ पर सब कुछ है, तो हम यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज सारा क्वेश्चन आंसर बताते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको जो चैप्टर होगा उनके राइटर पोएट जो भी होंगे उनका नाम आपको याद रखना है। डस्ट ऑफ स्नो के जो राइटर कौन है, पोएट कौन है, तो यहाँ पर हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो के हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहाँ पर हम आपको टिक करके बता रहे हैं, बाकी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। सेकेंड क्वेश्चन है द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बलाइज, जो क्रो है एंड हेमलॉक ट्री है वो किसका सिम्बलाइज्ड है, किसका प्रतीक है, सोरो, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन और डेथ, दुख का प्रतीक है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को हम आप सभी के साथ प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका व्हाट डिड क्रो शेक ऑन द पोएट, जो पोएट था क्रो था जो पोएट पर क्या शेक किया था, क्या हिला के गिराया था। तो यहाँ पर डस्ट ऑफ ट्री, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ लैंड, नॉट मतलब इट मीन्स नन ऑफ दीज। तो ये सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो वो क्या किया था, गिराया था पार्टिकल्स वो गिराए थे। तो आपको ऐसे समझना है, हमने पूरा आप सभी को पढ़ाया है वो। अगर आप जाके वो वीडियोस देखेंगे आई बटन पे यहाँ पर ऊपर लिंक आ रहा है, यहाँ से अगर आप देख लेंगे तो आपको सारा क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप क्या कर लीजिए, वो सारे चैप्टर को बस रिवाइज़ कर लीजिए। मैंने उसको पूरी कहानी सब कुछ बताया है। तो यहाँ पर सिर्फ MCQs मैं सॉल्व करा रही हूँ। फोर्थ नंबर है व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट इन द बिगनिंग ऑफ द पोएम, यहाँ पर है इन द बिगनिंग ऑफ द पोएम कैसा मूड था स्टार्टिंग में, तो हैप्पी था कि सैड था, कन्फ्यूजन नॉट, तो सैड वहाँ पे कैसा था, उनका मूड सैड था। व्हाट अप लिफ्टेड हिज मूड, क्या ऐसा था कि मूड को उनको अपलिफ्ट कर दिया, मतलब कि मूड जो दुख से भरा था सैड था वो मतलब खुश चेंज कर दिया। तो क्रो, हेमलॉक ट्री, फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज बॉडी, नॉट, यहाँ पर ऑप्शन है नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रो थे ना उसी ने क्या किया था, अपलिफ्ट कर दिया था, तो क्रो ऑप्शन ठीक हो जाए क्योंकि उसी ने पार्टिकल्स गिराए थे। सिक्स नंबर है हुज पार्ट ऑफ द डे हैज़ बीन सेव्ड, किसका समय बच गया था उस दिन, तो क्रोज पार्ट ऑफ द डे, क्रो के समय टाइम बचा था कि पोएट का समय बचा था कि ट्री पेड़ का कि नॉट, यहाँ पर ऑप्शन है। तो वहाँ पर सही बात है, पोएट के समय बच गया था, टाइम बच गया था। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पोएट स्टेट ऑफ माइंड, पोएट का स्टेट ऑफ माइंड क्या था, ठीक है, सैड, डिप्रेसिव, होपलेस, ऑल ऑफ द अबव, तो तीनों थे सैड, डिप्रेसिव एंड होपलेस, तीनों थी आशा मतलब होपलेस भी थी। तो तीनों आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, जब आपका तीनों ऑप्शन सही हो, ऑल ऑफ द अबव आप कर सकते हैं। वेयर वॉज द क्रो, क्रो कहाँ पर था, ठीक है, इन द स्काई, इन द जंगल, ऑन अ हेमलॉक ट्री, इन द पार्क, ये ऑप्शन है इन द पार्क, ठीक है। तो हेमलॉक ट्री ये चैप्टर का नाम है आपको, क्रो और हेमलॉक ट्री आपको तो याद रखना है, यही आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन राइट होगा। तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आज मैंने पूरे पोएट्री का पूरा छान के लाया है इसको 45 क्वेश्चन, ठीक है। द पोएट डिस्क्राइब द हेमलॉक ट्री एज, अ पोएट ने हेमलॉक ट्री को कैसा डिस्क्राइब किया था, स्मॉल ट्री, फ्रूटलेस, लॉन्ग, पॉइजनियस, मतलब हाँ उसको कैसा एक जहरीले टाइप में जैसे कि डिस्क्राइब किया था। तो ये आपका ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं फॉग, सेकेंड चैप्टर हम अभी आपको बताते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कम नीचे था ये वाले फॉग वाले चैप्टर हैं लास्ट वाले चैप्टर का, तो अब भी और भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फॉग, फॉग के पोएम पोएट का नाम क्या है, तो कार्ल सैंडबर्ग है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फॉग कंपेयर टू,
फॉक्स से क्या कंपेयर किया गया था, कैट, डॉग, मंकी, लॉयन। तो कैट आपको ऑप्शन क्या करना है, याद रखना है व्हाट इज द फॉग लुक ओवर, फॉग कहाँ पर दिखाई देता था, ठीक है, किसके ऊपर, तो ओवर द हार्बर एंड द सिटी, ओवर हाउस, नॉट, यहाँ पर लास्ट ऑप्शन आपका नॉट है, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ पर दिख, ओवर द हार्बर एंड सिटी, मतलब बंदरगाह और शहर दोनों पर दिख रहा था, तो ये आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। हाउ डज द फॉग कम, फॉग कैसे आता है, ठीक है, फास्टर एंड स्लोली, स्लोली एंड साइलेंटली, फास्टर, नॉट। तो फॉग कैसे आता है, स्लोली एंड साइलेंटली, आपका ये वाले ऑप्शन राइट हो जाएंगे। What has been personified in the poem? Poem में क्या personified किया गया था, तो आपको जो chapter रहेगा जैसे कि fog है, तो उस जो chapter रहेगा वो वही होगा। यहाँ पर option है fog, city, cat, harbor, तो cat नहीं है, जो chapter का नाम है आपका fog, तो वही आपको personified, क्योंकि fog कोहरा को ही कैसे मान लिया था, cat बिल्ली मान के उन्होंने बताया था, तो कोहरा ही क्या हो जाएगा, वो personified हो जाएगा, तो ये option हो गया। चलिए next 15th नंबर का आपका क्वेश्चन है, द कैट सिट्स ऑन इट्स, कैसे कैट बिल्ली बैठती है, मतलब वो जो कंपैरिजन किए थे वो बताए थे। तो यहाँ पर फीट पर, बैक पर, हॉन्चेस, ऑल ऑफ द अबव, तो आपका हॉन्चेस हो जाएगा, झुक कर बैठती है, तो घुटने के बल पे, तो वो वाले आंसर आपके हो जाएंगे। अब सेकंड हम आ जाते हैं, जो कि बहुत ही कम क्वेश्चन था इसलिए बताया था, फायर एंड आइस का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर, तो आपका जो भी पूछने वाला है सभी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, फायर एंड आइस के पोएम का जो पोएट है क्या नाम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये भी हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिश, पेरिश का मीनिंग क्या है, पेरिश का मतलब मरना होता है, तो ब्लूम, राइज, ग्लो, ये सब नहीं होंगे, डाय होगा, आपको याद रख लेना है, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आने वाले हैं। व्हाट डज आइस सिंबलाइज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइस किससे सिंबलाइज्ड है, आपका ये क्वेश्चन तो आना ही है पक्का, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार बना लीजिए कि आइस किससे सिंबलाइज है, हमने पढ़ाया है उसमें बताया है, ठीक है। तो आइस आपका क्या है, हेट से सिंबलाइज है, और जो फायर होगा वो डिजायर से होगा। व्हाट इज द पोएट कंपेयर फायर, फायर किससे सिंबलाइज है, डिजायर से, हेट और डिजायर, हॉट, बोथ हैं कि ए एंड सी है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या हो जाएगा, डिजायर, इस तरीके से ये आपके राइट आंसर हो जाते हैं। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर मेटाफर, एक इमेजरी, एक एलिट्रेशन है, ऑक्सीमोरॉन है, तो टू से दैट फॉर अ डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, यहाँ पर एक इमेज बताते हैं कि हाँ जिस तरह से क्या होता है, डिजायर रखेंगे, इच्छा रखेंगे, वो विनाश का कारण बनेगी, उसी तरीके से संसार का अंत का भी कारण कौन बनेगा, आइस, बर्फ बनेगा, तो वहाँ पर इमेज आपका ये हो जाता है राइट आंसर। तो इतना हम एक्सप्लेन नहीं करने वाले क्योंकि मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ। व्हाई डू सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, यहाँ पर आइस है, ठीक है, तो आइस बिकॉज यहाँ पर बताएं, बिकॉज लव अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, बिकॉज हेटर्ड अमंग पीपल इज इंक्रीज, सही बात है, हेट क्या है, बढ़ेगा, तो आइस किससे सिंबलाइज है, हेट से, तो इससे हम हेटर्ड से, तो ये वाले आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएंगे। What is the poet opinions about the world? अच्छा, poet की opinion देखना, ये आपको most important आपको समझना है। And in water, ये तो water एकदम से गलत है। And in fire, ये है। And in ice, and in air, air यहाँ पर option है, मतलब हवा में, ठीक है। तो ये वाले अभी आपके रॉन्ग है, ये वाले रब है। अब इसमें दोनों में समझना है, फायर क्या होता है, डिज़ायर, असीमित डिज़ायर रखते हैं, मतलब इच्छा रखते हैं। आइस किससे है, हेट, नफरत है। तो ओपिनियन जो पोएट का था कि हाँ अगर असीमित इच्छा हो जाए वो ठीक है, लेकिन नफरत ना हो, तो हम इस बेस पे क्या करेंगे, ये वाला आंसर करेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब सेकंड आपका थर्ड चैप्टर जो आता है ये वाला, अ टाइगर इन द ज़ू, ठीक है। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द ज़ू, कौन है, लेस्ली नॉरिस, लेस्ली, ये मैंने थोड़ा सा स्पेलिंग क्या मिस्टेक कर करके बताया ताकि बच्चों को, स्टूडेंट्स को स्पेलिंग भी आनी चाहिए, तो लेस्ली नॉरिस ये वाले स्पेलिंग क्या है, करेक्ट है, तो आपका ये ऑप्शन ठीक हो जाते हैं, करेक्ट। वट डज द पोएट हंट नियर द वाटर होल, वाटर होल के पास क्या वो हंट कर रहा था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉयन, एलिफेंट, डियर, ऑल ऑफ द अबव, जिसने पढ़ा होगा एकदम सही आंसर आपने बताया डियर। What is patrolling at night? रात में क्या गश्त करता कर रहा है cars, deer, tiger, all of the above, जिसने पढ़ा सही बताया cars। What has been personified in the poem? पोएम में किसको personified किया गया है, ये आपको बताना है, टाइगर, zoo, forest, all of the above, नहीं, a tiger in the zoo नाम है, तो आपको टाइगर personified हुआ है। What describe tiger in a jungle? जंगल में कौन सा टाइगर है, locked in a concrete cell, यह हमने पढ़ाया, explain किया था बहुत अच्छे से।
इग्नोरिंग विजिटर हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स बेरिंग हिज वाइट फैंग्स. जंगल में वो क्या डिस्क्राइब करता था अपना, क्योंकि बिहाइंड बार्स, बार्स मतलब होता है कोठरी, ठीक है, इसका भी कोठरी है, कोठरी वाला नहीं. इग्नोरिंग विजिटर कब करता है, जब वो कोठरी में रहता है, उसको बंद किया जाता है जंगल, जू में. लेकिन जब वो जंगल में होता है तो उसको अपना क्या दिखाता है, वो अपने सफ़ेद दांत दिखाते हैं, तो बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, और जो गांव वाले को होते हैं उसको डराता रहता है. तो डी वाले ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आपको सही हो जाएगा. तो बीच बीच में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं ताकि आपको आते रहें. वेयर डज द पोएम मूव, पोएम कहाँ से मूव करता है, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी होने वाला है. सारे इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रही हूँ. फ्रॉम द जंगल टू द जू, फ्रॉम द हाउस टू द जू, फ्रॉम द जू टू द हाउस, फ्रॉम द जू टू द जंगल. मतलब जंगल से चिड़ियाघर, चिड़िया से जहाँ घर, घर वाला तो एकदम गलत है, तो ये वाले दोनों क्या है, रॉन्ग है, इसमें से देखना है. तो जंगल से चिड़ियाघर नहीं, ये स्टार्ट हो, हमने बताया था जू से जंगल जाएगा, जू से जंगल, तो आप जंगल जाएगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है. हाउ डू द आइज ऑफ द टाइगर लुक, टाइगर की आंखें कैसे दिखती थी, सैड, डार्क, लाइट और ब्रिलियंट, हम लोगों ने पढ़ा था ब्रिलियंट. तो आपके ये सारे क्वेश्चन हो गए, चैप्टर है, जिसने भी पढ़ा है, तो ये आपका चैप्टर का नाम, ये वाले कौन से, अमांडा, ठीक है. तो हमने इसको भी पढ़ा दिया पूरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे से रिविजन करा है, वो आप जाके पढ़ लीजिएगा, अभी एंड स्क्रीन में आएगा, तो आप जाके देख लीजिएगा. हु इज़ द पोएटिस ऑफ द पोएम अमांडा, अमांडा के पोएटिस का नाम क्या है, रॉबिन लीन, ग्लोकिस अब्रॉल, ल्यूसियो, वॉल्ट विटमैन. तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है फर्स्ट वाले, ये रॉबिन लीन, ठीक है, आपको याद रखना है. वॉट वॉज अमांडा डूइंग, अमांडा क्या करती है, क्या कर रही थी, बाइटिंग हर नेल्स, अपने नाखून को चबाती थी, हंचिंग हर शोल्डर, अपने शोल्डर को झुका के बैठती थी, स्कॉर्चिंग हर बैक, बहुत कुबड़ निकाल कैसे, मतलब कुबड़ निकाल के बैठती थी, कैसे बैठती थी. तो ऑल क्या है आपका सही, यहाँ लास्ट वाला ऑप्शन आपका क्या है, यहाँ पर ऑल, ठीक है, तो आपके ये वाले ऑप्शन क्या हो जाते हैं, राइट हो जाते हैं. यहाँ पर नेक्स्ट 32 क्वेश्चन हो गए. हाउ डज अमांडा इमेजिन हरसेल्फ, अमांडा कैसे अपने आप को इमेजिन करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है. मरमेड, मॉन्स्टर, फिश गर्ल, मरमेड मतलब जलपरी, मॉन्स्टर, फिश गर्ल, तो मरमेड वो क्या करती है, अपने आप को इमेजिन करती है, जैसा ऑप्शन आएगा वो आप देंगे. व्हाट डज शी इमेजिन बीइंग व्हेन शी पिक्चर्स हरसेल्फ इन अ टावर, टावर यहाँ पर लिखा है, ठीक है, टावर पर कैसे वो अपने आप को देखना चाहती थी, ऑर्फन, अनाथ, नहीं, गलियों में देखना चाहती थी. मरमेड जलपरी, हाँ नहीं, ये समुद्र में देखना चाहती थी. रपंजल इज राइट आंसर, नन ऑफ द वेब, नहीं है. 34 नंबर का है. What does she want to do as an orphan? Walk freely in the street, play in dust with bare feet, all not, यहाँ पर दिया, ठीक, all मतलब ये दोनों हैं कि है. अच्छा, वो वहाँ पर क्या, orphan जब रहेगी तो क्या, walk freely in street, गली में भी घूमेगी, और वहाँ पर नंगे पाँव से अपने पैरों से क्या खेलती हुई नजर आएगी डस्ट में, धूल में. तो दोनों ये हो जाते हैं राइट आंसर. What is the color of the sea? Color का मतलब, हाँ, समुद्र का कलर कैसा था, ग्रीन आएगा तब भी, इमराल्ड ग्रीन आएगा तब भी. तो आपको ये वाले क्या करने हैं, ऑप्शन करेक्ट करने हैं. बाकी what does the speaker forbid अमांडा to eat? अमांडा को खाने के लिए क्या मना किया जाता है, forbid मतलब मना करना, ठीक है, food, fruit, chocolate, all of the above, तो chocolate इसको खाने के लिए मना किया जाता था. Animals chapter अब आपके आ जाते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम एनिमल्स, एनिमल्स के पोएम का नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अभी नहीं, वॉल्ट विटमैन, ल्यूसियो, और यहाँ पर विलियम बटलर ईड्स. तो आपका क्या हो जाते हैं, वॉल्ट विटमैन, ये आपके सही हो जाते हैं. नेक्स्ट आपका आता है, व्हाट डू ह्यूमन डू दैट एनिमल्स डोंट, एनिमल्स मतलब ह्यूमन क्या करता है जो एनिमल्स नहीं करता है, ग्रीड, लालच, जेलस, ईर्ष्या, रेस्टलेस, ऑल ऑफ द अबव. तो आपके क्या हो जाएंगे सारे आंसर, तो तीनों ये करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर हो जाएगा. यहाँ पर है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वाइन, वाइन का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या होता है. तो वाइन का एब्रिवेज क्राई शाउट, इसका मतलब चिल्लाना, रोना, कराहना जो होता है, कराहना, तो वही चिल्लाना आपका क्राई वाले आंसर हो जाएंगे. व्हाट इज़ द पोएट विश टू लिव विथ, पोएट का किसके साथ रहने की उसकी इच्छा थी, ठीक है, वे फिश, डायनासोर, एनिमल्स, नॉट एनिमल्स चैप्टर है, तो आपका जानवरों के साथ की क्या होती है, विश होती है. बहुत ही कॉमन सेंस से आप आंसर दे सकते हैं. व्हाट क्वालिटीज़ हैव द ह्यूमंस गिवन अप, ह्यूमन ने कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है जो खो दी है, इनोसेंस, काइंडनेस, ट्रस्टफुलनेस, ऑल ऑफ द अबव. तो आपके क्या है, तीनों उन्होंने क्या कर दिया, खो दिया है, जो कि पोएट ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है. नेक्स्ट आपका लास्ट आ जाता है ये वाले आपके द ट्रीज चैप्टर के. तो हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द ट्रीज, ट्रीज चैप्टर के पोएम का नाम क्या है, गैविन, गैविन, जॉन बेरीमैन, के अब्बास,
एड्रियने रिच, तो आपके एड्रियने रिच क्या है, ये वाले ऑप्शन राइट है. व्हाट आर द ट्रीज कंपेयर टू, ट्रीज किससे कंपेयर किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि इंसेक्ट कीड़े मकोड़े से, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जो नए नए ऐसे डिस्चार्ज पेशेंट आते हैं लड़खड़ाते हुए ऐसे ऐसे, उनको कंपैरिजन किया है, या फिर चिड़िया बर्ड से, या फिर चिल्ड्रन बच्चों से. ठीक है, यहाँ पे चिल्ड्रन लिखा है, तो यहाँ पर कैसा होगा था, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट. आपको कुछ कीवर्ड्स ऐसे याद रखने हैं. नेम द लिटरेसी डिवाइस यूज इन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर. लाइक जैसे ही आपको वर्ड मिलता है क्या हो जाता है, जब भी कंपैरिजन कहते करते. अच्छा, आप यहाँ पे देखिए, मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, चांद ऐसे टूटा हुआ है किसके, ऐसे मिरर के जैसे, मिरर मतलब शीशे, हाँ आईने के जैसे टूटा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर जब लाइक वगैरह, लाइक मिल जाए, एज मिल जाए, जस्ट एज मिल जाए, सो एज, तो मैं आपको बता दूँ, जैसे कि एज मिल गया, जस्ट एज, सो, यहाँ पे लिख दें सो एज, लाइक मिल जाता है, या फिर लाइक एज मिल जाता है, तो आपको ये ना एज और एज ऐसे ऐसे करके एज, तो ये सारे वर्ड आप अगर आपको मिलते हैं तो आपका क्या होता है, सिमली आपका वो फिगर ऑफ स्पीच हो जाते हैं. तो ये आपको याद रखने हैं, यहाँ पे सिमली है. बाय मॉर्निंग द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ, सुबह तक किससे, सुबह जंगल किससे भर जाएगा, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े, सन सूर्य से, ट्रीज पेड़ से, बर्ड्स चिड़ियों से, नहीं ऑप्शन क्या होगा, द ट्रीज, तो ट्रीज से यहाँ पर फुल हो जाएगा. तो आपके 45 क्वेश्चंस हमने क्या करा दिए, प्रैक्टिस करा दिए. तो इस तरीके से आपका OMR शीट अपने घर पर भी लेना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना, ताकि हड़बड़ी में जो गलतियां हो जाती हैं वो आप गलतियां ना करें. तो ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे जैसे कि हमने अपने स्टूडेंट्स करा, देखिए कितने रॉन्ग भी हुए, कितने करेक्ट भी हुए, तो इस तरीके से इनका मार्क्स आया हुआ है. तो आपको मैंने ये पोएट्री का आज पूरा करा दिया प्रैक्टिस, अब मैं आप सभी को लिए लाऊंगी प्रोज का, तो वन, ताकि आपका जो पूरे चैप्टर का लेकर आएंगे वो प्रैक्टिस करा देंगे. और भी सारी वीडियोज़ आ रही हैं, वो भी आप देखते रहिए. तब तक के लिए चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग.